नमस्कार दोस्तों, द कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी धामे और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कोको कोला की बोतल कैसे बनाई जाती है। तो शुरू करें, आ जाओ। तो सबसे पहले हम यहां से न्यू लेंगे और ये क्या बोल रहा है, रेनो कर। ओके, एक फ्रंट प्लेन लेंगे और इस फ्रंट प्लेन पे स्केच करेंगे। स्केच में सेंटर लाइन नहीं, रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे सेलेक्ट करके। और यहाँ से फोर कंस्ट्रक्शन पे जाके इस रेक्टेंगल की हम डाल देंगे डायमेंशन, जो कि होती है 3.5 और इसकी टोटल हाइट होती है आधे लीटर कोको कोला की बोतल की बात करें, तो हाफ लीटर कोको कोला जो होता है 212.5 होता है। ओके, सबको समझ में आ गया। ये जो है ये रेडियस है, यानी कि जो इसका डायमीटर होता है इसका डबल होता है, यानी कि 71 डायमीटर का होता है आधा लीटर का कोको कोला का बोतल। तो आप ऊपर से शुरू करते हैं इसके ढक्कन से, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा इधर, फिर हल्का सा नीचे, हल्का सा इधर और फिर थोड़ा सा नीचे। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक आर्क आती है, एक 40 की आर्क होती है, उसके बाद में एक और आर्क होती है जो कि करीब करीब 200 के आसपास की होती है, और फिर एक और आर्क होती है इसी के आगे जो कि 40 के आसपास की होती है। तो मैंने यहाँ पे एक रफ स्केच कर लिया है। अब इसको डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इधर आ जाएंगे। टोटल जो डायमीटर होता है वो 25 का होता है और इसकी जो हाइट होती है, इसकी हाइट 14 mm होती है। और जो हल्का सा हमने स्टेप रखा है जहाँ पे हमारा बोतल का जो ढक्कन है वो रुकेगा, वो 0.5 का होता है। उसका जो रेडियस है, मतलब रेडियस से पहले जो फ्लैट एरिया है वो हो गया 6 mm का, और उसके बाद में यहाँ पे जो रेडियस है इसको बोलते हैं 40 हो गया। मेरा कंप्यूटर स्लो क्यों, पता नहीं। तो उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे तो ये जो रेडियस होगी वो 200 हो गई। 200 के बाद में ये बहुत नीचे चला गया और यहाँ पे एक छोटी रेडियस थी वो गायब ही हो गई है लगभग। तो हम क्या करेंगे, इसको हाथ से खींचेंगे पकड़ के और इधर रखेंगे और इसको इस वाली दीवार से टेंजेंट करा देंगे। अब देखो, टेंजेंट कराने पे इसका हाल बिगड़ गया, यानी कि पहले इसको सही जगह पर रखेंगे उसके बाद टेंजेंट कराएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऊपर लिख देंगे और इस तरह से, जबकि 200 वाली दीवार को यहाँ आ गई, और इसके बाद में ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को हम इस दीवार पे रख देंगे। जब ऐसे रख देंगे तो आप इजीली टेंजेंट हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये बोतल का कुछ हाल खराब हो गया है। वो इसलिए हो गया क्योंकि ये साइज बहुत ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है। अभी हम इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और टेंजेंट करेंगे और इजीली टेंजेंट हो गया है। अब जो स्टेप हमारा रेडियस वाला है, यहाँ से लेके और ऊपर तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं 57.5 हो गई। और ये छोटी वाली जो रेडियस है जिसका हमने साइज मिल गया, ये हो गई 40 की वापस से, और ये सारा का सारा स्केच हमारा हो गया ब्लैक। ओके, तो ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे रेडियस खत्म होती है यहाँ से फ्लैट एरिया शुरू होता है, इस पे स्टिकर लगेगा, इस एरिया पे स्टिकर लगेगा, फुल बाकी एरिया फ्लैट होगा सीधा सीधा सर। और काफी नीचे जाना पड़ेगा, इसके नीचे लेकर अंदर खींच के उसके बाद हम यहाँ से एक टेंजेंट आर्क शुरू करते हैं। यहाँ से टेंजेंट आर्क मिल जाएगी हमें, और यहाँ से जाके फिर थोड़ा सा आगे और फिर यहाँ जाके बस अब इसको नीचे वाले हिस्से को टेंजेंट करा दिया
और इसकी जो डायमेंशन है, हमने जो ली रखी इसकी डायमेंशन, वो अगले पेज पे है और नीचे भी। हाँ तो ये रेडियस हो गई 45 की, और ये वाली जो रेडियस हो गई इसको बोलते हैं 25, और जो सबसे नीचे वाली जो रेडियस हो गई ये हो गई 6 की। और मेरा कंप्यूटर इतना स्लो, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा हाइट उसको 25 बोलते हैं, और इसके बाद में यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 7.5 होती है। ओके, इतना हिस्सा सबको समझ में आ गया। हमने F प्रेस किया और ये पूरा फिट टू स्क्रीन हो गया, और ये बीच का जो स्टेप है इसकी डायमेंशन भी डाल देते हैं। ये हो गया हमारा 40 mm के आसपास का, और यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का गैप रहेगा वो 1.1 होता है, जिसमें हमारा स्पीकर लग जाएगा। चला बिल्कुल सर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक करेंगे पूरा, लॉक मतलब इसको क्लोज करेंगे यहाँ से ऊपर तक, यहाँ राइट क्लिक सेलेक्ट, और ये सारा काम होगा रिवॉल्व, रिवॉल्व बॉस। अब यहाँ पे सेंटर लाइन हम बता देंगे, ये वाली होगी हमारी एक्सिस ऑफ रेगुलेशन। हमारा बोतल का एक हिस्सा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे चलते हैं, हम यहाँ से राइट प्लेन लेंगे और स्केच करेंगे, राइट प्लेन करेंगे और स्केच करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और एक रेडियस 3 पॉइंट आर्क यहाँ लिया और यहाँ पे छोड़ दिया, लाइन ले ली और फिर यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। ये दोनों लाइन इक्वल कर लेंगे, इक्वल। उसके बाद जो आर्क हमारी, उसकी आर्क की डायमेंशन हो गई 46, और जो फ्लैट लाइन है यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे से और इनसे यहाँ तक 65, उसके बाद में यहाँ से यहाँ 25, ठीक है। सेम ऐसे इसके ऊपर भी हम ले लेते हैं, नहीं ऊपर नहीं लेंगे, इसको इतना ही रखेंगे और इसको करेंगे एक्सट्रूड कट दोनों तरफ से रोल बॉल। ओके, यहाँ पर दो बॉडी अलग अलग हो गई, तो पूछ रहा है कि दोनों बॉडी चाहिए, बिल्कुल दोनों बॉडी चाहिए, ऊपर की भी नीचे की भी। अब क्या करेंगे, फ्रंट और राइट दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों के बीच में यानी कि 45 डिग्री पे मेरे को एक प्लेन चाहिए, तो यहाँ जाएंगे और प्लेन हम ले लेंगे। दोनों के बीच में एक प्लेन आ गया 45 डिग्री, प्लेन के पॉइंट को पकड़ के ऊपर खींच सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इस प्लेन पे हम स्केच करेंगे एक और तो सीधा। अब यहाँ से हम लाइन लेंगे ऊपर और 3 पॉइंट आर्क यहाँ से यहाँ पर, और थोड़ा सा ऊपर लाइन और इससे नीचे, और इसको क्लोज कर देंगे। इसकी जो डायमेंशन रहेगी लेफ्ट लाइन की वो 20 हो जाएगी, तो दोनों लाइनें इक्वल सेलेक्ट करके इक्वल, और ये आर्क जो हमारी है ये आर्क रहेगी जो नीचे थी 46। इसको भी एक्सट्रूड कट कर देंगे थ्रू ऑल बॉल, एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल बॉल यानी कि दोनों से आर्क। अब इतना एरिया हमने बना लिया बॉल का, ये प्लेन को हाइड कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। अब बिल्कुल टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे एक स्केच कर लेंगे, बिल्कुल टॉप पे भी जा सकते हैं, बॉटम पे कहीं भी हम एक स्केच कर लेंगे, और वो स्केच होगा 59 डायमीटर। स्केच से बाहर जाएंगे और यहाँ पे आएंगे कर्व पे स्प्लिट लाइन प्रोजेक्शन, ये स्केच को प्रोजेक्ट कराएंगे
इस फेस पे और इस वाले फेस पे ओके करेंगे तो दोनों पे हमें निशान मिल जाएगा, ये लाइन यहाँ पर मिल गई। अब हमने लॉफ्ट के लिए प्रोफाइल तो बना ली है, अब इसके लिए गाइड कर्व भी बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, फ्रंट प्लेन लिया, स्केच कर लेंगे, सीधा किया इसको और यहाँ से 3.8 ले लेंगे, यहाँ से लेके लगो लगो यहाँ पे और यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन हमने रफली बना लिया, इसको एडिट कर लेंगे अच्छे से, यहाँ से यहाँ इसको दोनों को कंट्रोल से पकड़ा और ईयर्स खा लिया, मेक ईयर्स सेम ऐसे ऊपर वाले के साथ करेंगे। इस पॉइंट को पकड़ा और इस हाथ को पकड़ा, कप को पकड़ा और मेक ईयर्स करा लिया। अब इसको क्या करेंगे, डायमेंशन डाल देंगे 76 की डायमेंशन होती है, सेम ऐसे इसके बराबर है, यानी कि दूसरी साइड भी करेंगे। तो इसे स्केच में भी कर सकते हैं, चाहे तो स्केच को अलग से भी ले सकते हैं, वैसे बेटर यही रहता है कि अलग से लिया जाए। इस पर क्लिक किया, फ्रंट पे दोबारा से स्केच और यहाँ पे रफली ऐसे ही लग दिया पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ राइट क्लिक और सेलेक्ट, फिर क्या करना, कंट्रोल इसको पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ा और मेक पियर्स करा दिया, सेम नीचे ही इसको पकड़ा, इसको पकड़ा और मेक पियर्स करा दिया, इस आर्क को और इस आर्क को पकड़ा, दोनों को इक्वल करा दिया, यानी कि हर बार डायमेंशन लेने की जरूरत तो नहीं होती है। इसी तरह से हम राइट लेन पाएंगे और स्केच करेंगे सीधा करके, सेम स्केच रहेगा, यहाँ से रफली यहाँ से यहाँ तक लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके छोड़ दिया। तो उसके बाद में इस पॉइंट को पकड़ा, कंट्रोल के साथ में इस कर्व को पकड़ा और ठीक नीचे इसको पकड़ा और इस पॉइंट को पकड़ा और अब देखते हैं इसको और इसको, टेंजेंट का बटन आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि भी ये दूसरे प्लेन पे और ये किसी और प्लेन पे है। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन फिर से देनी पड़ेगी, डायमेंशन होगी वापस से 76, स्केच से बाहर फिर से हम जाएंगे राइट प्लेन पे और स्केच करेंगे सीधा करके, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, इधर राइट क्लिक, ये पॉइंट पकड़ा कंट्रोल के साथ में इस कर्व को और मेक पियर्स, ये पॉइंट पकड़ा कर्व पकड़ा और मेक पियर्स, यहाँ पे गए, इसको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको तो इक्वल कर सकते हैं इसके बराबर। देखो जितने ज़्यादा रिलेशन रहेंगे उतना आसान होता है एडिट करना बाद में। तो हमने चारों तरफ गाइड कर्व बना लिए हैं, अब क्या करना है, लॉफ्ट लेना है ये नीचे वाली प्रोफाइल को और ऊपर वाली प्रोफाइल को मिला दिया, उसके बाद में गाइड कर्व, पहली गाइड कर्व, दूसरी, तीसरी और ये चौथी गाइड कर्व, ये सभी को मिलाने के बाद हमें नीचे की जो शेप होती है वो मिल जाती है।